हेलो फ्रेंड्स आज हम डिस्कस करेंगे ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड्स के बारे में ऑर्गेनो ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड्स की बात करें तो ऑर्गेनिक सिंथेसिस में ये मोस्ट इम्पोर्टेंट रिएजेंट्स होते हैं क्योंकि इनकी रिएक्टिविटी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से ज्यादा होती है अब ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड्स में कार्बन लिथियम बॉन्ड की बात करें तो वो पोलर कोवेलेंट नेचर का होता है और ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड्स को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं अब इस फॉर्मूले में जो R हैं वो या तो एल्काइल ग्रुप हो सकता है या अराइल ग्रुप हो सकता है अब बात करते हैं इनके फॉर्मेशन की तो पहला मेथड हो जाएगा फ्रॉम एल्काइल और अराइल हैलाइड। देखिए जब एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन लिथियम के साथ नाइट्रोजन और ऑर्गन की प्रजेंस में करवाई जाती हैं तो एल्काइल लिथियम या ऑर्गेनो लिथियम कंपाउंड्स का फॉर्मेशन होता है इसी तरह से अगर हम एराइल हेलाइट की रिएक्शन लिथियम मेटल के साथ नाइट्रोजन और ऑर्गन की प्रजेंस में करवाते हैं तो एराइल लिथियम का फॉर्मेशन होता है सेकेंड मेथड हो जाएगा बाय हेलोजन मेटल एक्सचेंज रिएक्शन इसमें हेलोजन और मेटल एक दूसरे को एक्सचेंज करते हैं जैसे एल्काइल हेलाइड की रिएक्शन एल्काइल लिथियम के साथ होती है तो हेलोजन क्या करेगा इस मेटल एटम को यहाँ से रिप्लेस कर देगा और इससे इन प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन होगा अब ब्रोमो बेंजीन की रिएक्शन अगर एन ब्यूटाइल लिथियम के साथ होती है तो फिनाइल लिथियम का फॉर्मेशन होता है और उसके साथ ब्यूटाइल ब्रोमाइड का फॉर्मेशन होगा फिर नेक्स्ट रिएक्शन हो जाएगी डायरेक्ट मेटलेशन देखिए जब हाइड्रोकार्बन किसी एरोनोलिथियम कंपाउंड्स के साथ रिएक्शन करता है तो एक नए ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है और इस रिएक्शन को हम मेटलेशन रिएक्शन कहते हैं अब बात करते हैं इन कंपाउंड्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में देखिए ऑर्गेनो लिथियम कंपाउंड्स या तो लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं या ये लो मेल्टिंग सॉलिड्स होते हैं और इनकी सॉल्युबिलिटी की बात करें तो ये नॉन पोलर हाइड्रोकार्बन सॉल्वेंट्स में रेडिली सॉल्युबल होते हैं अब बात करते हैं केमिकल रिएक्शंस की देखिए एल्काइल लिथियम कंपाउंड्स की बात करें तो ये स्ट्रांग बॉन्ड पोलराइजेशन और लिथियम की स्मॉल साइज की वजह से पॉलीमरिक एग्रीगेट्स में एग्जिस्ट करते हैं मीन्स इनके कई सारे मॉलिक्यूल्स एग्रीगेट होके एक लार्ज मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं अब इन एग्रीगेट्स में के दो या उससे ज्यादा मॉलिक्यूल्स कंबाइन होते हैं अब ये फॉर्म सॉल्यूशन में भी एग्जिस्ट करती हैं और गैस फेज में भी एग्जिस्ट करती हैं। अब पहली रिएक्शन हो जाएगी रिएक्शन विद एसिडिक सब्सटेंस देखिए एल्काइल लिथियम कंपाउंड्स की बात करें तो ये ग्रिग्नार ड्रियजेन की तरफ बेसिक नेचर शो करते हैं देखिए एल्काइल लिथियम कंपाउंड्स में जो एल्काइल ग्रुप है उस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है इसलिए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस एल्काइल ग्रुप के अराउंड ज्यादा होती है इसलिए ये एल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने की टेंडेंसी रखता है और इस वजह से इसका नेचर बेसिक रहेगा अब बेसिक नेचर की वजह से ये एसिडिक सब्सटेंस के साथ रिएक्ट करने की टेंडेंसी रखते हैं देखिए ये हो गया लिथियम ये हो गया एसिडिक सब्सटेंस अब एसिडिक सब्सटेंस की टेंडेंसी H+ डोनेट करने की होती है अब ये अल्काइल ग्रुप इस H+ के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोकार्बन का फॉर्मेशन करेगा सेकेंड पॉइंट हो जाएगा रिएक्शन विद कार्बोनाइल कंपाउंड्स देखिए ग्रिग्नाड रिएजेंट की तरह एल्काइल लिथियम कंपाउंड्स कार्बोनाइल कंपाउंड्स के साथ जब रिएक्शन करते हैं तो एल्कोहल्स का फॉर्मेशन होता है अब एल्काइल लिथियम कंपाउंड्स जब फॉर्म एल के साथ रिएक्शन करते हैं तो उस केस में कार्बोनाइल ग्रुप के पाई इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन के पास आ जाते हैं तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा अब एल्काइल ग्रुप एज ए न्यूक्लियोफाइल इस इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पर अटैच होगा और ये लिथियम इस ऑक्सीजन के साथ अटैच होगा अब इनके कॉम्बिनेशन से ये एडिशन प्रोडक्ट बनेगा और जब इस एडिशन कंपाउंड का हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो प्राइमरी एल्कोहल का फॉर्मेशन होगा और अगर एल्काइल लिथियम एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करता है तो उसके इसमें जो एडिशन प्रोडक्ट बनता है जब इसका हाइड्रोलाइसिस करवाया जाता है तो सेकेंडरी एल्कोहल का फॉर्मेशन होगा इसी तरह से अगर लिथियम कीटोन के साथ रिएक्शन करता है तो उससे यह एडिशन प्रोडक्ट बनेगा और जब इस एडिशन प्रोडक्ट का हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं तो टर्सरी एल्कोहल का फॉर्मेशन होगा अब इस रिएक्शन की बात करें तो इसमें एल्काइल लिथियम कंपाउंड्स की रिएक्टिविटी ग्रिग्नार रिएजेंट से ज्यादा होती है देखिए इस रिएक्शन में अगर हम इस कीटोन की जगह हाइली हाइंड्रेड कीटोन यूज करते हैं तो उस केस में ग्रिग्नार रिएजेंट इसके साथ रिएक्ट नहीं करेगा क्योंकि ग्रिग्नार रिएजेंट की रिएक्टिविटी स्टेरिक हाइंड्रेन से अफेक्ट होती है और एल्काइल लिथियम कंपाउंड्स हाइली हाइंडर्ड पेटॉन के साथ इजीली रिएक्शन करके टर्शियरी अल्कोहल का फॉर्मेशन करते हैं क्योंकि इनकी रिएक्टिविटी स्टेरिक हाइंड्रेंस की वजह से अफेक्ट नहीं होती है या हम कह सकते हैं ऑर्गेनो लिथियम कंपाउंड्स स्टेरिक हाइंड्रेंस से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के कंपैरिजन में लेस अफेक्टेड होते हैं फिर नेक्स्ट रिएक्शन हो जाएगी कार्बन डाइऑक्साइड के साथ देखिए जब अल्काइल लिथियम कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करता है तो ये पाई इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास शिफ्ट हो जाएंगे और इससे कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा अब ये अल्काइल कार्बन के साथ अटैच हो जाएगा और ये लिथियम इस ऑक्सीजन के साथ अटैच हो जाएगा अब इनसे एक एडिशन प्रोडक्ट बनेगा अब इस एडिशन प्रोडक्ट के साथ जब एल्काइल लिथियम का एक और मॉलिक्यूल जुड़ता है तो ये इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास शिफ्ट हो जाएंगे तो इस केस में लिथियम इस ऑक्सीजन के साथ और ग्रुप इस कार्बन के साथ अटैच हो जाएगा। इससे एक एडिशन प्रोडक्ट और बनेगा अब इस एडिशन प्रोडक्ट का जब एसिडिक हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं तो कीटोन का फॉर्मेशन होगा देखिए यहाँ पर वाटर का हाइड्रोक्साइड ग्रुप इस लिथियम के साथ आ जाएगा और H इस ग्रुप के साथ आ जाएगा तो यहाँ पर लिथियम हाइड्रोक्साइड के दो मॉलिक्यूल साइड प्रोडक्ट के फॉर्म में बन जाएंगे फिर नेक्स्ट हो जाएगी रिएक्शन विथ एल्कीन। देखिए जब एल्काइल लिथियम कंपाउंड्स एल्कीन के साथ रिएक्शन करते हैं तो ये अनसेचुरेटेड बॉन्ड सेचुरेटेड बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा और अगर इस कंपाउंड की रिएक्शन फर्दर एल्किन के एक मॉलिक्यूल के साथ और करवाते हैं तो ये कार्बन की चेन इंक्रीज होती रहती है जितने एल्किन के मॉलिक्यूल हम ऐड करेंगे कार्बन चेन की लेंथ उतनी ही इंक्रीज होती रहेगी फिर नेक्स्ट रिएक्शन हो जाएगी मेटल हेलोजन एक्सचेंज ये एक तरह की इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन है देखिए जब एन ब्यूटाइल लिथियम की रिएक्शन किसी ऑर्गेनिक हेलाइट के साथ होती है तो यहाँ पर जो मेटल है वो इस हैलाइड को रिप्लेस कर देगा अब इस रिएक्शन से एक नए ऑर्गेनो डेरिवेटिव का फॉर्मेशन होगा अब बात करते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की तो देखिए अल्काइल लिथियम कंपाउंड्स जनरली अल्काइल हैलाइड्स की सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में यूज होते हैं और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इस तरह की सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस सो नहीं करते हैं अब इस रिएक्शन की मैकेनिज्म की बात करें तो इसकी मैकेनिज्म वुड्स रिएक्शन से क्वाइट सिमिलर होती है और वुड्स रिएक्शन एस एन टू मैकेनिज्म के थ्रू प्रोसीड होती है देखिए जब एल्काइल लिथियम की रिएक्शन एल्काइल हेलाइड के साथ होती है तो इस केस में ये एल्काइल ग्रुप न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है और इस हेलोजन को यहाँ से रिप्लेस कर देता है और इस रिएक्शन से हाइड्रोकार्बन का फॉर्मेशन होता है अब कुछ रिएक्शंस ऐसी होती हैं जो इस मैकेनिज्म के थ्रू प्रोसीड नहीं होती हैं। देखिए अगर फिनाइल लिथियम की रिएक्शन वन क्लोरो नेफ्टेलिन के साथ होती हैं, तो इसमें दो तरह के प्रोडक्ट बनते हैं एक बनेगा वन फिनाइल नेफ्टेलिन और दूसरा बनेगा टू फिनाइल नेफ्टेलिन इसको हम एल्फा फिनाइल नेफ्टेलिन भी कह सकते हैं और इसको हम फिनाइल नेफ्तलिन कहेंगे देखिए ये हो गया फिनाइल लिथियम और ये हो गया वन क्लोरो नेफ्तलिन जब इन दोनों की रिएक्शन होती है तो ये दो डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनते हैं अब इस रिएक्शन की मैकेनिज्म देखें, तो ये नॉर्मल एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के थ्रू कंप्लीट नहीं होती है लेकिन ये रिएक्शन एलिमिनेशन एडिशन मैकेनिज्म के थ्रू कंप्लीट होती है जिसमें नेफ्थाइन इंटरमीडिएट इन्वॉल्व होता है देखिए आपने बेंजाइन मैकेनिज्म के बारे में पढ़ा होगा उसमें इंटरमीडिएट जो बनता है उसको हम बेंजाइन कहते हैं लेकिन यहाँ पर रिएक्टेंट के फॉर्म में हम नेफ्थलिन का यूज कर रहे हैं तो नेफ्थलिन में जब एक ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है तो उसको हम नेफ्थाइन कहते हैं देखिए ये हो गया वन क्लोरो नेफ्थलिन जब इसकी रिएक्शन फिनाइल लिथियम के साथ होती हैं तो यहाँ से पहले एक H+ रिलीज होगा तो इससे यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आएगा फिर ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पर बॉन्ड बनाने में यूज हो जाते हैं तो जैसे ये यह बॉन्ड यहाँ पर बनेगा ये यह क्लोरीन यहाँ से रिलीज हो जाएगा अब जो नया इंटरमीडिएट बनता है उसमें यहाँ पर एक ट्रिपल बॉन्ड प्रजेंट है तो इसको हम वन नेफ्थाइन कहेंगे अब इस इंटरमीडिएट की रिएक्शन फिनाइल लिथियम के साथ होती हैं। देखिए जब फिनाइल लिथियम इस इंटरमीडिएट के साथ रिएक्शन करता है तो ये पाई इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पर भी शिफ्ट हो सकते हैं और इस कार्बन पर भी शिफ्ट हो सकते हैं तो इस वजह से यहाँ पर दो डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनते हैं देखिए ये हो गया ट्रिपल बॉन्ड जब इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पर शिफ्ट होंगे तो इस कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा अब ये कार्बन प्लस इस से हो जाएगा और इस फिनाइल लिथियम का जो फिनाइल ग्रुप है वो इस पॉजिटिव कार्बन से अटैच हो जाएगा और यहाँ से जो लिथियम फ्री होगा वो इस क्लोराइड आयन के साथ रिएक्शन करके लिथियम क्लोराइड का फॉर्मेशन करेगा फिर नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा रिएक्शन विथ एल्फा बीटा अनसे कार्बोनाइल कंपाउंड देखिए ये हो गया अल्फा कार्बन और ये हो गया बीटा कार्बन तो यहाँ पर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है इसलिए इस कंपाउंड को हम अल्फा बीटा कंपाउंड कहते हैं जब इसकी रिएक्शन लिथियम के साथ होती है तो कार्बोनाइल ग्रुप के ये पाई इलेक्ट्रॉन्स इस ऑक्सीजन पर शिफ्ट हो जाएंगे तो यहाँ पर प्लस और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा अब ये अल्काइल ग्रुप इस कार्बन से अटैच होगा और ये लिथियम इस ऑक्सीजन से अटैच होगा तो इससे एक एडिशन कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा जब इस कंपाउंड का एसिडिक हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो अनसेचुरेटेड एल्कोहल का फॉर्मेशन होगा